हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला। देखो, आज आज मैं आप लोगों की इंग्लिश की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आपके इस साल के सेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी बहुत ऐसी सारी चीज़ें हुई है चैनल पे, जिसके विषय में बात करना नहीं चाहता हूँ। जो काम मुझे शायद बहुत पहले से ही करते रहना चाहिए था, वो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा काम था एक्चुअली आपको पढ़ाना, और राइट नाउ मैं उसी काम पर वापस लौट रहा हूँ। बाकी की चीज़ें कौन संभाल रहा है मुझे नहीं पता है, बस एक चीज़ मैं संभालने वाला हूँ, आपके इंग्लिश का कोर्स। और पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ मैं ये सीरीज़ आपके स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपके इस साल जो अपकमिंग SSC का एग्ज़ाम है, उसके तहत ये बनाया जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और ये कोशिश करूँगा कि आप में से कोई वीक बच्चा हो या स्ट्रांग बच्चा हो। बेसिकली मेरा जो फोकस है वो हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए है, जो UP से आते हैं, जो MP से आते हैं, जो राजस्थान से आते हैं, जिनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरा नहीं था। मेरा अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों में इतनी इंग्लिश सीखी हुई है कि मैं आपको एक अच्छा स्कोर करने वाला स्टूडेंट बना सकता हूँ। अगर आपने मेरा पूरा का पूरा सीरीज़ फॉलो किया शुरू से लेकर आखिरी तक, तो उस पूरी सीरीज़ के दौरान जो है आप इतना कुछ लर्न करोगे। डजेंट मैटर राइट नाउ आप 5 नंबर स्कोर कर रहे हो, 10 नंबर स्कोर कर रहे हो, 12 नंबर स्कोर कर रहे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आप 35, 40, 45 नंबर आराम से स्कोर कर पाओगे। मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि मेरे सीरीज़ के बाद आप 50 में 50 स्कोर कर लोगे, लेकिन एक बार अगर आपने मुझे कम्प्लीटली फॉलो किया, तो ये जो सीरीज़ है ये आपको एक कम्प्लीटनेस की फीलिंग देगा। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा इंग्लिश है, पढ़ाई करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि इंग्लिश का जो कोर्स है हमारा SSC का, वो बहुत बड़ा है। क्या सच में उतना बड़ा है? क्या सच में हमें उतना पढ़ना है, या फिर थोड़ा स्पेसिफिक होके पढ़ना पड़ता है? जैसे कि मार्केट में जितनी भी अवेलेबल बुक्स हैं, चाहे वो नीतू मैम की बुक हो, चाहे आपकी SP बख्शी की बुक हो, चाहे लूसेंट की बुक हो, चाहे 10th स्टैंडर्ड की कोई बुक है, मैंने अपने लिए सब कुछ इस्तेमाल किया। तो क्या सबको उतना पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। चाहे आपकी किरण की बुक हो, चाहे आपकी जो है MB पब्लिकेशन की बुक हो, सारी किताबें नहीं पढ़नी है। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा पहले इंग्लिश से रूबरू कराना चाहूँगा कि इंग्लिश को फेज़ 1 के लिए अलग से पढ़ते हैं, फेज़ 2 के लिए अलग से पढ़ते हैं, या फिर एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करेंगे आज इंग्लिश की, और हम ये बात कर रहे हैं इंग्लिश की आपके SSC एग्ज़ाम के लिए, और बेसिकली उन बच्चों के लिए जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश किसके पढ़ रहे हैं ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं SSC के लिए। SSC के लिए पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप अदर एग्ज़ाम में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर सेम रहने वाला है, वोकैब सेम रहने वाला है, लेकिन ये जो कोर्सेज है, ये मतलब मैं एक स्पेसिफिक जोन को लेके बना रहा हूँ। अगर बात करें इंग्लिश की, तो हमारा 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, प्री में और फिर मेंस में। और जब हम टारगेट करते हैं प्री और मेंस दोनों का, तो प्री और मेंस में मिला के 250 नंबर की इंग्लिश आती है, 250 नंबर की इंग्लिश आती है, जिसमें 50 नंबर आता है जो आपका प्री में, और 200 मार्क्स का जो आता है वो मेंस में आता है। तो कई बार क्या होता है कि हम प्री में अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, मेंस में अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे और फिर कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें SSC की इंग्लिश की, तो SSC की इंग्लिश को हम 250 नंबर में देखते हैं कि SSC हमसे ये पूछता है। तो जब भी आपको फाइनल सीट पर पहुँचना है, तो मतलब 250 नंबर का एग्ज़ाम तो आपको इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देना ही देना है। इसके लिए मैं इंग्लिश को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आप चीजों को थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जरूरी है, और ये लेक्चर जो है आपके स्टार्टिंग की प्लानिंग में, जब आप चीजों को स्टार्ट करते हैं, उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज को समझने में कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो इसका पार्ट आता है, वो आता है ग्रामर। ग्रामर, इसके बाद हम दूसरे इसके सेगमेंट को डिवाइड करते हैं वोकैब में, और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर की बात करते हैं, फिर वोकैब में बात करते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन बात करते हैं। अब आज के इस लेक्चर में हमें यह समझना है कि जो ग्रामर हम पढ़ते हैं, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कितना उनका वेटेज रहता है। अगर मैं बात करूं ग्रामर की,
तो ग्रामर में सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में, वो मिलेगा स्पॉट द एरर का सेक्शन। ध्यान से देखिएगा स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर के सेक्शन में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, देखिए एक ऐसे तरीके से जो है आपका ए बी सी और डी ये चार सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है और इसी में सेंटेंसेस को ब्रेक किया जाता है ए बी सी डी पार्ट में। कभी ए पार्ट में एरर रखा जाता है, कभी बी पार्ट में एरर रखा जाता है, कभी सी पार्ट में एरर रखा जाता है, कभी डी पार्ट में एरर रखा जाता है। अगर मैं बात करूं इनके मार्क्स की तो 20 मार्क्स का आता है आपका मेंस के एग्जाम में और 3 मार्क्स का आता है आपका प्री के एग्जाम में, तो टोटल 23 मार्क्स का ये रहता है। इसके बाद अगर मैं दूसरे सेगमेंट की बात करूं तो आपका आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और फिर ए बी सी और डी पार्ट दिया रहता है। ए पार्ट में आपसे कुछ इसी सेंटेंस का पार्ट दिया रहता है, बी पार्ट में दिया रहता है, सी पार्ट दिया रहता है और डी पार्ट दिया रहता है। ये भी मिला जुला कि आपके एग्जाम में जो आता है या आपके एग्जाम में जो मिला जुला के आता है ये भी 23 मार्क्स का आता है। तकरीबन 20 मार्क्स का जो है आपका मेंस में आता है और 3 मार्क्स का जो होता है वो आपके प्री एग्जाम में आता है। ये जो चीजें हैं ये बेस किस पे होती है, ये बेस आपके पूरे ग्रामर में होती है। ग्रामर में हमको पढ़ना क्या है अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे कि ग्रामर पे बेस जो है कितना आपका वेटेज रहता है, कितना एग्जाम में मार्क्स आता है। अब इसके अलावा अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं, यहाँ पे नोट करते चलिएगा साथ में मेरे और यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो एक फिलर्स आता है, सेंटेंस इस तरीके से दिया रहता है और इसके अंदर कुछ ना कुछ फिल करना रहता है, डॉटेड लाइंस रहती है, कभी कभी सिंगल फिलर आता है, कभी कभी डबल फिलर आता है। ये जो फिलर रहता है ये जरूरी नहीं कि ग्रामर पे बेस्ड हो, कई बार जो है ये जो फिलर्स होता है वो आपकी वोकैब की नॉलेज भी चेक करता है और कई बार ऐसा रहता है कि ये आपका ग्रामर पे भी बेस्ड रहता है, ये ग्रामर पे बेस्ड हो सकता है या फिर वोकैब पे बेस्ड हो सकता है। ये जो आपका मार्क्स वेट करता है ये कई बार ऐसा होता है कि 2 से लेकर 3 मार्क्स तक प्री में आता है और 5 मार्क्स का जो होता है वो आपका मेंस में आता है। इसके बाद अगर चौथी बात करें, हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के सेक्शन की, अगर इसके बाद हम बात करें चौथा कि ग्रामर में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें आती है तो वो आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो आता है ये आपका 25 से लेकर 27 मार्क्स तक मेंस में आता है, 25 से लेकर 27 मार्क्स का मेंस में आता है। प्री में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक आता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रूल्स रहते हैं वो बहुत आसान रहते हैं। इसमें से ऐसे मान के चलो कि 23 से लेकर 24 क्वेश्चन तक हर अच्छा स्टूडेंट सॉल्व कर लेता है, 3 या 4 क्वेश्चन लगभग हर स्टूडेंट से, हर मीडियोकर स्टूडेंट से गलत होता है। आपको यहीं पे जो है लीड लेना है, अगर आप इतना करके खुश हो, 23-24 क्वेश्चन अच्छे से करके अगर खुश हो तो आप पक्का आगे नहीं निकल पाओगे, आप रैंक बना नहीं पाओगे, आपकी असली लड़ाई इन 3-4 नंबरों में ही होती है। इसके बाद एक और सेगमेंट आता है जो पांचवा सेगमेंट है, वो हमारा पांचवा सेगमेंट है एक्टिव पैसिव वाइज। एक्टिव पैसिव वाइज से 20 क्वेश्चन जो है आपके जो है मेंस में आते हैं 20 मार्क्स के, प्री में 1 से लेकर 2 मार्क्स तक आता है। इसमें भी वही बात होती है, 17-18 क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं, 17-18 जो क्वेश्चन है ये बहुत आसानी से हर स्टूडेंट निकाल लेता है और 2-3 क्वेश्चन का जो है लफड़ा यहाँ पे भी फंसता है, 2-3 क्वेश्चन का लफड़ा यहाँ पे फंसता है। और ग्रामर में कुल मिला जुला कि अगर हम वेटेज देखें तो 23 नंबर इधर हो गया, 23 नंबर इधर हो गया, 46 नंबर यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ जो फिलर्स की बात करें, 8 नंबर का ये हो गया, 46, 8, 54 मार्क्स का ये हो गया। 54 में अगर ये मान लूँ तकरीबन मैं 30 और इसको 22, तो 54 प्लस 52, 52 मार्क्स का ये ले लो, तो एक तरीके से आप 105 से लेके 110 नंबर तक, 105 से लेके 110 नंबर तक 250 नंबरों में जो है ये आपका ग्रामर का पार्ट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, अब इसको कंप्लीट कैसे करते हैं,
ये अभी हम सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका वेटेज किस तरीके से रहता है। तो अगर आपने इसको पढ़ लिया है और नोट डाउन कर लिया है, तो आप एक काम कीजिए, जो है मैं इसको थोड़ा सा साइड हो लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा वोकैब के विषय में डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं आज की क्लास में आप लोगों को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिटेल में बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलिए। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चीज़ें कंप्लीट कैसे करनी है, कम टाइम में कैसे कंप्लीट करनी है। हम आ रहे हैं बात करने वोकैब के सेक्शन पे, कि वोकैब का सेगमेंट कैसे कैसे आता है। वोकैब के सेगमेंट पे सबसे पहले अगर हम बात करें, तो देखो, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फंसा रहता है वो सिनोनिम सिंटोनिम्स में फंसा रहता है। सिनोनिम्स पढ़ने में फंसा रहता है, एंटोनिम्स पढ़ने में फंसा रहता है स्टूडेंट। ये आता है, ये मेंस के पेपर में कितना आता है, 3 मार्क्स का आता है, ये 3 मार्क्स का आता है, और प्री के पेपर में +1 +1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग चेक आता है, स्पेल चेक आता है, 2 आपके टीयर 1 में आता है और 3 आपके मेंस में आता है, 5 मार्क्स का ये आता है। इसके अलावा अगर वोकैब वाले सेक्शन में बात करें, तो आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है मेंस के पेपर में आपका 10 से लेकर 12 मार्क्स तक आता है, और 3 मार्क्स का जो है टीयर 1 में आता है, तो तकरीबन 15 मार्क्स का रहता है ये। और इसके बाद आता है इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस आता है, ये 10 मार्क्स का आता है, +3 मार्क्स का टीयर 1 में आ जाता है, कभी 2 मार्क्स का भी रहता है, तो 13 मार्क्स का ही आता है। इसके अलावा वोकैब के सेक्शन में आप लोग जो चीज़ें नहीं जानते हो, जो चीज़ नहीं पढ़ते हो, वो मैं कुछ चीज़ें कैलकुलेट कराता हूँ। फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ते नहीं हो, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको पढ़ते नहीं हैं। अगर फिक्स प्रीपोजिशन की बात करें और फ्रेजल वर्ब की बात करें, तो कुछ आपके इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको आप करके तो आते हो, आपको लगता है कि हाँ सही सही सा है, लेकिन लौट के आते हो तो पता चलता है गलत हो गए। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई स्टूडेंट ज़्यादा वेटेज नहीं देता है, इसी वजह से आपको मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है, पर इंग्लिश में ये नहीं भरोसा होता है कि आप क्वेश्चन करके आए हो, सही करके आए हो। जिस दिन आपने इन दो चीज़ों पर कमांड बना लिया, उसके बाद आपको ना इंग्लिश भी साफ साफ मैथ्स की तरह दिखना चालू हो जाएगी, कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन किए, इतने मेरे सही है। वो ना सही दिखने के रीजन मेन है फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, दोनों सिमिलर ही दिखते हैं। इसमें भी फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब है कि कोई भी जो है वर्ड है उसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, और फ्रेजल वर्ब की बात करें तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, तो दोनों चीजें सेम ही है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इसके अलावा क्या कुछ और है वोकैब के सेक्शन में। हाँ, होमोफोन्स है, बहुत ऐसे जो है वर्ब्स होते हैं कंफ्यूज वर्ब जिनको हम ले सकते हैं, कंफ्यूज वर्ब, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं हमें। ये तकरीबन 40 पेयर्स होंगे, 40 से लेके 50 पेयर्स तक हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नहीं तो मैम की बुक में मिल जाएगा और किसी किताबों में मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली ये आपको याद रखने रहते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिलते हैं। इसी तरीके से होमोफोन्स होते हैं, ये भी कंफ्यूज बहुत करते हैं, तो ये इतनी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। अब बात यह आती है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स की दुनिया जो है बहुत अथाह है, कितना प्रिपेयर करें, वन वर्ड कितना प्रिपेयर करें, स्पेलिंग चेक कितना देखें। तो मैं आपको बताऊं कि जो फेज बनता है इसमें, इसमें एक होता है फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज में आपको प्रीवियस ईयर के सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने हैं। ये है मस्ट डूइंग थिंग, कि आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है, बगैर पढ़े आप इनके एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पेलिंग चेक पिछले 10 सालों में 12 सालों में जितना एसएससी के एग्जाम में आया है सब आपको पढ़ लेना होता है। अब बड़ा सवाल ये होता है कि इनका कलेक्शन कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे ऐसे हमें ऑर्गेनाइज वे में मिल जाए, हम निकालें और रट लें। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी सीरीज के दौरान ये सारा का सारा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 10 से लेकर 12 साल का जो भी आपका प्रीवियस ईयर का कलेक्शन आया हुआ है क्विज के फॉर्म में आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेली लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो, इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा का पूरा कलेक्शन हम दे देंगे आपको, ठीक है।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तकरीबन आपको 2000 याद करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लगभग हर 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 बुक्स को ढूंढना पड़ेगा। जैसे एक बुक्स आपने पढ़ा, एक बुक में आपको 500-700 का कलेक्शन मिला, दूसरे किताब में जब आप उठाओगे तो 100-150 नया मिलेगा, तीसरा बुक उठाओगे उसमें 100-150 नया मिलेगा। ये 2000 का कलेक्शन भी मैं क्विज के फॉर्म में आपको दिला दूंगा, जिसमें पिछले 10-12 साल का जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया वो भी होगा। लेकिन 2000 से ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इनको बहुत तमीज में याद रखना है। ईडियम फ्रेज 1000 के आसपास आपको याद करना है। ये 1000 का कलेक्शन, ये जितने भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये हमारी सीरीज में आपको पूरा कलेक्शन मिल जाएगा। फिक्स प्रीपोजिशन आपको 350 के आसपास याद करने रहते हैं, फ्रेजल वर्ब 350 के आसपास याद करने, इन सभी का कलेक्शन मैं आपको दिए दूंगा। सबका कन्फ्यूज वर्ब है इनका भी कलेक्शन दे दूंगा। होमोफोन्स तकरीबन आपको 200 याद करने हैं, ये पेयर्स में रहते हैं, 200 याद करने हैं, इनका भी कलेक्शन मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब बात आती है इसके अलावा कंप्रिहेंशन की। कंप्रिहेंशन में अगर बात करें सबसे पहले, तो आपको पता है ना कि अनसीन पैसेजेज आते हैं, पैसेज आते हैं। पैसेज देखो पांच तरीके के पूछे जाते हैं, पांच तरीके के पैसेज पूछे जाते हैं, जिसमें से तीन पैसेज जो होते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जो चौथा पैसेज रहता है वो थोड़ा सा जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग रहता है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। तीन पैसेज आप आराम से प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो, मैं आपको ये सिखा भी दूंगा कि ये पैसेजेज आपको करने कैसे हैं। तीन पैसेज के बाद जो दो पैसे जाता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको स्किप भी करना होता है, हर आदमी उसको सही नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो आपको आता है इस वाले सेगमेंट में होता है क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये पांच पैसेजेस रहते हैं, छह पैसेजेस रहते हैं कई बार, और इनका जो वेटेज रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है मेंस में और 5 मार्क्स का प्री में कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है। क्लोज टेस्ट की बात करें, अगर हम क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट भी आपका इसी तरीके से रहता है। क्लोज टेस्ट अंडरस्टैंडिंग पे बेस रहता है, इसमें कुछ ट्रिक्स काम कर जाते हैं, कुछ ग्रामर के रूल्स काम कर सकती है, ट्रिक्स नहीं होते हैं बेसिकली, ये ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ नहीं आनी है, नाउन के बाद आपको क्या लेना है, नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव लेना है या फिर एडवर्ब लेना है। तो बेसिकली वो ग्रामर के रूल्स प्लस वकैब पे आपकी कितनी कमांड है, यहाँ पे डिपेंड करता है क्लोज टेस्ट के दौरान पे कि आपका वकैब कितना स्ट्रांग है। जितना वोकैब आपका स्ट्रांग होगा, जितना अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगा जो है क्लोज टेस्ट, उतना ही आप अच्छा करके आओगे। यहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बेसिकली हिंदी भाषी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक चैलेंज रहता है क्लोज टेस्ट अच्छे से करना। इसके लिए कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। बगैर प्रैक्टिस, बगैर वोकैब के सेशंस के आप इसको अच्छे से कर नहीं सकते हो। इसके अलावा तीसरा जो सेगमेंट रहता है वो होता है आपका पैरा जंबल। देखो पैरा जंबल्स में दो तरीके की चीज़ें पूछी जाती है, एक तो सेंटेंस बेस्ड रहता है, एक पैसेज बेस्ड रहता है। अगर सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है तो ग्रामर के रूल्स के थ्रू आप एक ट्रिक इस्तेमाल करते हो, क्योंकि सेंटेंस कुछ रूल्स के थ्रू जो है एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो जब उनको ब्रेक करके रखे जाते हैं सेम वही रूल्स आप इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंस जब ब्रेक करके रखे जाएंगे वो आसानी से सॉल्व कर लोगे। 14 क्वेश्चन 20 में से आपके सेंटेंस ब्रेक करके रखे जाते हैं और 5 से लेकर 6 क्वेश्चन तक पैसेज ब्रेक करके रखे जाते हैं। तो पैसेज जब भी ब्रेक करके रखे जाते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है और ये समझना होता है कि कौन सा सेंटेंस कैसे स्टार्ट है। कई बार कुछ चीज़ें उसमें हिंट्स दिए रहते हैं, जैसे जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम स्टार्ट या एंड में इस्तेमाल नहीं कर सकते पैसेज अगर ब्रेक करके भी दिया है, जैसे हाउएवर हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के बेसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे और उनको भी सीखेंगे कि हम कैसे जो है सेंटेंसेस को अरेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा का जो पैराजंबल का पार्ट है बहुत आसान है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और ग्रामर के रूल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पैराजंबल सॉल्व करना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क आपके लिए बना रहने वाला है हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए वो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के अलावा सब कुछ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, तकरीबन ये जो पूरा का पूरा कोर्स और सीरीज रन होने वाला है वो 150 आवर्स का रहने वाला है, जिसमें मैं हर चीज का कलेक्शन आप लोगों को देने वाला हूं, जिसमें मैं एक सीरीज साथ में और चलाऊंगा जो प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स के
क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी। पहले वो आपको क्विज के फॉर्म में मिलेगा हमारे पोर्टल पे। सबसे पहले क्या होगा, जैसे आज मैंने क्लास लिया, मैं आपको एक क्विज दे दूंगा, वो होगा पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का 25 क्वेश्चन का कलेक्शन या 50 क्वेश्चन का कलेक्शन। आपको उनको प्रैक्टिस करना है और फिर मैं उनका सोल्यूशन यहाँ पे कराऊंगा। इस तरीके से मैं आपकी डेली प्रैक्टिस सेशन लेके जाऊंगा। मुझे हमारे पोर्टल पे उज्ज्वल सर करके सर्च करेंगे तो हम मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पूरी की पूरी सीरीज ये 150 घंटों की अरेंज रहने वाली है और ये पूरा का पूरा सीरीज मैं पूरा करूंगा। अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने में होगा और कुछ नहीं होगा। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अब हम इंडिविजुअल ग्रामर की बात करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा चल रहा है लेकिन आप इसको ध्यान से पूरा एंड तक देखिए, पहले इस चीज़ को समझिए कि हम ये पूरा का पूरा चीज़ कंप्लीट कैसे करेंगे। हमने बात की ग्रामर की, हमने बात की वोकैब की, हमने बात की कॉम्प्रिहेंशन की। वोकैब की यही पे बात कर देता हूँ, ये वोकैब जो है मैं पूरा करने वाला हूँ। आपको मॉर्निंग में एक शो लेके आने वाला हूँ जो पहले जेपी सर रन करते थे, जब तक जेपी सर नहीं आ रहे हैं तब तक उनका ये वोकैब शो मैं रन करे दे रहा हूँ। ये 6 या फिर 8 बजे, ये टाइम स्लॉट मैं अभी शेयर करवा दूंगा कि कौन से टाइम पे आएगा। ये जितना मैंने कलेक्शन की बात की, ये कलेक्शन ये सुबह वाले सेशन में पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपको, और क्विज के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में हमारे वेब पोर्टल पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब हम ये बात करने वाले हैं कि हम पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर से। ग्रामर में हमको क्या क्या पढ़ना होता है उसको चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। एक बार चीजों को अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट इन सब चीजों की ले लीजिए। और देखो अभी मेरा जो पूरा फोकस रहने वाला है ना, अभी मेरा पूरा का पूरा जो फोकस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने पे रहने वाला है। आपको पढ़ाने को छोड़ के मैं और कोई काम इस चैनल पे नहीं करने वाला हूँ, हमारे पोर्टल पे नहीं करने वाला हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ प्राइम फोकस सिर्फ आपको पढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां मैंने ऐसे की है जिसको सुधार तो नहीं सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं सभी बच्चों को हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने कोर्सेज के थ्रू, सो मैं वही करता हूँ। अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में देखो एक चीज होती है पार्ट ऑफ स्पीच, और ग्रामर में भी कौन सी चीज पढ़नी है, कहाँ पे पढ़नी है। तो एक मेरे इस सीरीज में एक और मेथड है जिसको आप नोट कर लीजिए, की पॉइंट मेथड। ये मैं नाम दे रहा हूं अपनी पूरी सीरीज को, की पॉइंट मेथड, और साथ में रिवीजन। ये दो चीज अगर मेरे साथ करते चलेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि आपका जो स्कोर है इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। तो की पॉइंट मेथड रखने वाला हूं मैं। की पॉइंट मेथड होता क्या है, की पॉइंट जैसे कि अब अगर ग्रामर पढ़ने जाओगे तो बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत सारी किताबों में बहुत सारा रूल्स है, कुछ किताबों में बहुत कम रूल है, लेकिन एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक चीजें ही पूछी जानी होती है। तो मैं उन सारे की पॉइंट्स को हाईलाइट करता हुआ चलूंगा जिन की पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मेरा पूरा का पूरा जो ग्रामर का सीरीज है वो की पॉइंट मेथड पे बेस्ड होगा, और साथ में आपको रिवीजन कॉन्टिन्यूसली करते हुए चलना है। तो अगर हम बात करें ग्रामर में, तो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सेंटेंस के देखो यार कई सारे टुकड़े करते हैं, उनको हम अलग अलग नाम देते हैं, इसके विषय में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट सभी लोगों को पता होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच वो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, वो टुकड़े होते हैं जिनको हम काटते हैं और ब्रेक करके उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ तक हमारे दिमाग में नाम आता है, 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। हम नाउन पढ़ते हैं, फिर दूसरा हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, तीसरा हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं, चौथा हम एग्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, पांचवा अगर आप नाम लीजिए हम एडवर्ब पढ़ लेते हैं। एडवर्ब पढ़ने से पहले आपका वर्ब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बगैर वर्ब पढ़े हुए एडवर्ब पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हर चीज़ की एक हायरार्की होती है कि किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है। इसी में आपका कंजक्शन भी आ जाता है। कंजक्शन होता क्या है, बेसिकली कनेक्ट करता है। इंटरजेक्शन होता है, पर इंटरजेक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउन प्रोनाउन आर्टिकल एग्जेक्टिव, इसके अलावा इसी में प्रीपोजिशन होता है। जब हम वर्ब पढ़ते हैं ना तो वर्ब में काफी सारी चीजें और आ जाती है। वर्ब में देखेंगे आप आगे चल के, वर्ब को भी डिफाइन करते हैं कई बार, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। अब ये सब क्यों आता है, इसी में आगे चल के पढ़ेंगे आप। जीरंड पार्टिसिपल जो है, इन्फिनिटिव, ये वर्ब के एडवांस पार्ट होते हैं जो नाउन की तरह भी काम करते हैं, उनके विषय में बहुत डिटेल में चलेंगे। जब आप बात करते हैं मेन वर्ब की, जब आप बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, यहीं पे एक टर्म आता है टेंस। टेंस क्या है, टेंस की डिटेल क्या है, इन पे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे पहुंचेंगे हम।
इसी में आता है जो है, जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर लेते हैं और ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं तो इसी में एक टर्म आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस आता है इसी में, और इसी में आता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म आ जाता है आपका। पैरेललिज्म बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, हार्डली 1 घंटे का 1.5 घंटे का कंसेप्ट है, पर इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। 3-4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, बहुत ईजी टॉपिक्स है, लेकिन अगर हम सिक्वेंस से होते हुए चल लेंगे ना तो एक एक चीजें सीख जाएंगे। इसी में हम जो है क्लॉज पढ़ते हैं आगे चल के। क्लॉज क्यों पढ़ते हैं यार, देखो सेंटेंस ना एक सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, इसी को आप कॉम्प्लेक्स भी बना देते हो। मतलब एक छोटा सा सेंटेंस है, उसके साथ एक और छोटा सा सेंटेंस आपने ऐड किया, फिर एक उसके साथ तीसरा सेंटेंस ऐड किया, उन सबको मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। वहीं पे रोल आता है क्लॉज का। क्लॉज हमें समझना बहुत जरूरी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझने के लिए। फिर ट्रांसफॉर्मेशन समझने की जरूरत पड़ती है। इन सब चीजों को हम की पॉइंट मेथड से सीखेंगे। की पॉइंट मेथड से सीखेंगे। की पॉइंट मेथड का मतलब हो गया कि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिटेल में नहीं जाने की कोशिश करेंगे जिसका हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ उन चीजों की बात करेंगे जिसका हमारे एग्जाम से लेना देना है। तो ये है रफ ओवरव्यू जिसमें हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब ग्रामर की स्टार्टिंग करेंगे या वोकैब की स्टार्टिंग करेंगे या फिर कॉम्प्रिहेंशन की स्टार्टिंग करेंगे तो हम अपनी सीरीज को कैसे प्लान करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ग्रामर से, साथ में वोकैब का सेगमेंट साथ में लेके चलेंगे। देखो कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट जो चीज़ है, ये दोनों आपको कॉन्टिन्यूसली थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जो है न्यूज़पेपर की रीडिंग कर सकते हो, एक पैसेज दो पैसेज की रीडिंग कर सकते हो जिसमें आप थोड़े वकैब्स निकाल सकते हो, थोड़े अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा सकते हो। ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न है जो आपको साथ में करते हुए चलना चाहिए। और वकैब और ग्रामर अगर आपका इम्प्रूव हो गया तो कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट इम्प्रूव हो जाएगा। जब आप स्पॉट द एरर के क्वेश्चन पे बात करते हो ना, तो स्पॉट द एरर का क्वेश्चन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आपका ग्रामर पे भी बनता है, आपका वोकैब पे भी बनता है, आपका इडियोमेटिक एरर्स पे भी बनता है। बहुत ऐसी सारी चीजें होती है, ये सब चीजें आपको कंबाइंड एग्जाम तक लर्न करनी होती है। जो बच्चा इन सारी चीजों को लर्न कर जाता है वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ले जाता है। अगर कोई बच्चा जो है इन सारी चीजों को लर्न नहीं कर पाता है तो एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएगा। कुछ लोग इसी चीज़ को 3-4 महीने में लर्न कर जाते हैं, लेकिन जो 3-4 महीने में लर्न कर जाते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है बहुत अच्छा होता है। मतलब 70% चीज़ें उनको ऑलरेडी पता होती है। तो अगर आपको 70% चीज़ें नहीं पता है तो अभी आपको इसे लर्न करना है। बस ये देखना है आप कितने टाइम में इन सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। जितनी जल्दी आप इन सब चीज़ों को मेहनत करके लर्न कर जाएंगे उतनी ही जल्दी आप अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में मैं सिर्फ ओवरव्यू तक रखने देता हूँ। मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट होनी है, डिटेल क्लास स्टार्ट होनी है। क्लास का पूरा 150 घंटों का जो प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और मैं आपके साथ कॉन्टिन्यूसली बना रहूंगा। मैं, आशुतोष सर और सुनील सर मिलकर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। मैं अपनी ये पूरी की पूरी 150 घंटों की जो सीरीज़ है वो पूरी करूंगा, टाइम स्लॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा मंडे से क्या टाइम रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं पे लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ, जल्दी मिलूंगा अपनी पूरी सीरीज के साथ। तब तक के लिए